हाय एवरीवन, मैं हूँ ईशा। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल में छोले की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से छोले की रेसिपी बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हलवाई जैसे छोले मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम छोले लिए हैं, जिसे हमने 7 से 8 घंटा भिगो के रखा था। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे हमने चॉप कर लिया है। 4 टमाटर लिए हैं, 4 टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है। 2 हरी मिर्ची ली है, जिसे हमने चॉप कर लिया है। और 2 टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। 3 टेबलस्पून हम रिफाइन ऑयल लेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट लेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे। और 1 टेबलस्पून हम चना मसाला लेंगे। और यहाँ हमने थोड़ी सी अदरक ले ली है। और 1 टीस्पून हम सौंफ पाउडर लेंगे। खड़े मसाले में हम यहाँ पे 2 तेज पत्ता लेंगे, 2 छोटी इलायची लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग लेंगे और 10 से 15 पत्ते हम करी पत्ता के लेंगे। और 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे। 1 टीस्पून हम अमचूर पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून हम हींग लेंगे। तो यहाँ हमने छोलों को बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त हमने इस पे 1.5 ग्लास पानी ऐड किया था और नमक ऐड किया था। तो मीडियम हाई फ्लेम में इसे हमने 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे छोले अच्छे बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है। पैन में हम 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हींग ऐड करेंगे, तेज पत्ता ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे, लौंग ऐड करेंगे और दालचीनी ऐड करेंगे और जीरा ऐड करेंगे। और इन सभी को हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी आएगी हमारी सब्जी में। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, तो ये 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और खुशबू के लिए इसमें हम मीठी नीम ऐड करेंगे। तो इसे हमें भून लेना है प्याज के साथ ही। और थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारी सब्जी में। ये प्याज भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं और अच्छा ब्राउन कलर इसमें आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे एज पर टेस्ट आप ऐड करें, और थोड़ा कम ही ऐड करें क्योंकि हमने छोले में भी ऐड किया था बॉईल करते वक्त। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मसाले में। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, छोले मसाला ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा हमारी सब्जी में। अमचूर पाउडर ऐड करेंगे हल्का खट्टा फ्लेवर देने के लिए। और पानी ऐड करेंगे मसाले को भूनने के लिए। तो थोड़ा सा ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे जो मसाले वो जले नहीं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम ही रखें मसाले को भूनते वक्त। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला जो है वो तेल ना छोड़ने लगे। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो साइडों में तेल भी छोड़ना चालू हो गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया भून चुका है। तो अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने जिसमें छोले को बॉईल किया था वही पानी का यूज कर रहे हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेवी चाहते हैं पतली गाढ़ी, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। तो इसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ में और इसमें 1 बॉईल आने देंगे। ये ग्रेवी में हमारे बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें चने ऐड करेंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये छोले भी हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो लास्ट में अब इसका टेस्ट और फ्लेवर और बढ़ाने के लिए इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, वैसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे ताकि हमारे छोले में भी मसाले का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे छोले को पकते हुए, तो अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आ चुका है और कितने बढ़िया हमारे छोले ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो लग रहे हैं एकदम हलवाई स्टाइल छोले के मसाला कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी हलवाई जैसे छोले मसाले की सब्जी तैयार हो चुकी है, तो इसे आप गर्मा गर्म कुलचे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ इंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।